जी अस्सलाम वालेकुम। जी आवाज़ आ रही है जनाब? आवाज़ आ रही है, चलें ग्रेट। जी कल तक हमने जो चीज़ें देखी थी उसमें कोई डिस्कशन काबिले इतराज़ बात कोई काबिले इतराज़ बात नहीं नजर आई, चलें ग्रेट। लेट्स मूव ऑन टू फिनिश। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के दिन इंशाल्लाह वी विल बी होल्डिंग आवर लास्ट क्लास फॉर दिस सेशन और वी विल ट्राई टू फिनिश ऑफ आवर बुक एंड देन वी विल ट्राई टू गो थ्रू exam paper, ICAP exam paper with you guys, and we will try to finish this within this class. Clear hai ji? Let's move on. Ji bismillah rahman rahim, let's start our class today. Hum chapter 15 ko dekh rahe the, financial market, aur baaki cheeze hum dekh rahe the, mutual funds ki baat kar rahe the. Ab hum ki what is mutual fund? Mutual fund kya hai? म्यूचुअल फंड बेसिकली एक फॉर्म ऑफ पूलिंग द इन्वेस्टमेंट है। आप मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स मिल के आपस में पूल अप कर लेते हैं। छोटे छोटे से लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी के पास 1,000 रुपया, किसी के पास 2,000 है, किसी के पास 3,000 है, किसी के पास 1,00,000 है, किसी के पास 200 है, वो अपने पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। तो क्या होगा, जिसके पास 100 रुपया है, जिसके पास 1,000 है, जिसके पास 1,00,000 है, वो जब फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जाएंगे तो उनकी उनका वर्थ, उनकी वेट ज्यादा नहीं होगी। इंडिविजुअली उनका वेट ज्यादा नहीं होगा, लेकिन 100 बंदे 1,00,000 रुपए वाले अगर मार्केट में चले जाते हैं तो वो इकट्ठे मिलके जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उनका वेट बढ़ जाएगा। वो 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ जाएंगे। एक बंदा के हर 100 बंदे जो उनसे हैं वो कि मेरे पास 1,00,000 है, मेरे पास 1,00,000 है, मेरे पास 1,00,000 है, तो उससे मार्केट में आपको किसी बंदे को आपके साथ इंटरेस्ट नहीं होगा। वो कहेगा इसने तो सिर्फ 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट करना है, मैं इससे क्या कहूँ। वो कुछ आपसे कुछ बात करने की कोशिश करने की या निगोशिएशंस की या बाकी चीजों की बात नहीं करेगा। बट अगर आप उसको 100 बंदे मिलके अगर चले जाएं और 100 बंदे मिलके आपका कहें जी कि 1,00,000 रुपया हमारे पास है, 100 बंदों का 1,00,000 रुपया मिला लेंगे तो कितना, 10 मिलियन बन जाएगा। तो अब वो आप कहेंगे कि हमने 10 मिलियन इन्वेस्ट करना है। तो जब 10 मिलियन इन्वेस्ट करने की बात करेंगे तो जो बारो करने वाले हैं, जो बैंक्स हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी, जो आपके स्टॉक एक्सचेंज वाले हैं, सब लोग इधर आपको रिगार्ड देंगे, आपको अच्छी सी चेयर पर बिठाएंगे, आपको सामने पानी भी पेश करेंगे, चाय भी पेश करेंगे, आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब आप बड़े पोर्टफोलियो के साथ हैं। तो हुआ क्या कि वो जो 100 लोग थे जिनके पास 1,00,000 रुपया था, उन सबको इकट्ठा होना पड़ा, पूल में डालने पड़े अपने सारे 1,00,000 रुपये। तो म्यूचुअल फंड्स इसी तरीके के साथ काम करते हैं। वो कहते हैं कि बजाय इसके कि छोटे छोटे इन्वेस्टर्स भाईजान आप लोग खज्जल खराब होते रहे, आप इस तरह कीजिए, हम आपको ये एक टूल प्रोवाइड कर रहे हैं, ये एक पूल प्रोवाइड कर रहे हैं, हम सब लोग मिलके इसमें पैसे इन्वेस्ट कर लेते हैं, आपके पैसे होंगे, हम म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट का आपसे फीस ले लेंगे और उन पैसों को हम मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्ट करेंगे और उन इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न मिलेगा वो सारे म्यूचुअल फंड होल्डर्स को तकसीम हो जाएगा।
अगर फॉर एग्जांपल एक एक लाख रुपया सबने 100 बंदों ने इन्वेस्ट किया था सेम रेशियो के ऊपर था और उससे हमने 10% रिटर्न कमाया तो तमाम लोग 10% रिटर्न ले लेंगे, और अगर 20% रिटर्न कमाया तो जिसने जितनी इन्वेस्टमेंट की उसका उतना परसेंट रिटर्न वो हासिल कर लेगा। अगर मैंने 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है और किसी ने 1 लाख रुपए की है तो मुझे भी 100 के ऊपर 10% रिटर्न मिल जाएगा और उसको भी 1 लाख के ऊपर 10% रिटर्न मिल जाएगा। ये म्यूचुअल फंड्स के अंदर पॉसिबल हो रहा है, वरना 100 रुपए वाले को कोई 10% रिटर्न शायद ना देता। वो कहते जी कि नहीं भाईजान आप तो वो छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, आपको हम 2%, 3%, 5% रिटर्न दे देंगे, चलें इतना ही आप ये लें और खा जाएं। ठीक है जी, तो लेट्स मूव। किताब क्या कहती है? किताब कहती है नाम के दिस इज एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल। व्हीकल का मतलब होता है कि एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर दूसरे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। वेयर मैनी इन्वेस्टर्स पूल देयर रिसोर्सेज टुगेदर टू बी इन्वेस्टेड इन ए वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट वी हैव लेड आउट अबव। दे आर ऑपरेटेड बाय प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स हु हैव स्पेशलिस्ट नॉलेज ऑफ द मनी एंड कैपिटल मार्केट। The investment objectives of each mutual fund are explained in the investment prospectus, and investors choose one that best fits their profile. अब जो 1 लाख रुपया 100 बंदों के पास था तो सब बंदे ये तो नहीं कहेंगे ये 1 लाख कहेगा नहीं यार मुझे तो इस्लामिक फाइनेंसिंग के अंदर सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी है। तो वो जो इस्लामिक फाइनेंसिंग वाले लोग हैं वो अपना पूल अलग बना लेंगे। एक कहेगा नहीं यार मुझे शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाला चाहिए तो मैं तो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हूँ तो शेयर्स की इन्वेस्टमेंट वाला पूल एक अलग बना लेंगे। फिर कोई कह सकता है कि नहीं मुझे लो रिस्क इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं अपने पैसे जाया नहीं करना चाहता, नुकसान बर्दाश्त करने की सख्त नहीं है मेरे में, तो उसके लिए एक अलग पूल बना लें कि सिर्फ आपके पैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट हो। जो वो पूल के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करें, जो लोग वो पूल के अंदर लोग पैसे डालें उनके पैसे सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट हो। तो वो जो हर इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड है वो अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टस के अंदर अपना ऑब्जेक्टिव बता रहा होता है कि मैं क्यों क्या करूंगा। मैं ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करूंगा, मैं अपने जो कैपिटल है उसको सेव रखने की कोशिश करूंगा, मैं इस्लामिक मोड से मुनाफा कमाने की कोशिश करूंगा। जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है वो आपने बताएगा जिसकी बुनियाद पे लोग उसके साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार होंगे और जो उस तरह के समझने वाले होंगे वो। तो इस तरह से हमारे सामने हम पाकिस्तान की मार्केट में देखें तो डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स मैनेजर्स हैं और उन्होंने डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स फ्लोट किए हुए हैं। किसी ने कैपिटल मार्केट म्यूचुअल फंड फ्लोट किया हुआ है कि आप लोग जो के समझते हैं कि शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है वो इस वाले फंड के अंदर हमारे पैसे डाल दें, इस फंड से में जो पैसे आएंगे उससे हम शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे और उससे हम पैसे। कुछ ने कहा हुआ मनी मार्केट फंड कि मनी मार्केट के जो पैसे होंगे जहां पे रिस्क कम होगा हम वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो कुछ इस्लामिक म्यूचुअल फंड हैं कि जी के हम सिर्फ इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, आपको अगर पैसे डालें इसमें तो सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक तरीके से जो इन्वेस्टमेंट होती है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे और उससे आपको मुनाफा जो मिलेगा वो सब मिलकर हम शेयर कर लेंगे। ठीक है जी। द मेन एडवांटेज ऑफ ए म्यूचुअल फंड इज दैट इट गिव्स इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट एक्सेस टू द मार्केट। ए म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैन बी कंस्ट्रक्टेड टू बी डाइवर्सिफाइड एंड अक्रॉस ए रेंज ऑफ सिक्योरिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल दिस वुड बी नियर इम्पॉसिबल। अगर हमारे पास 1 लाख रुपया है तो हमारे लिए मुश्किल होगा कि हम 10 कंपनियों के शेयर खरीदें ताकि हमारी डाइवर्सिफाइड हो जाए रिस्क, कि एक कंपनी के शेयर में अगर इजाफा हुआ है दूसरे में कमी हुई है तो फिर भी हमारा पैसे डूब ना जाए। रिस्क डाइवर्सिफाइड करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन का पता ना, पता कि नहीं पता रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं पता, आप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करते हैं इसलिए कि आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट, अंग्रेजी का मुहावरा है ना कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट,
कहते हैं ना, अगर आप अपने तमाम अंडे एक ही बास्केट में रखेंगे तो वो बास्केट अगर नुकसान होगा तो आपके सारे अंडे खराब हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो इसी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए भी कहते हैं, डोंट पुट ऑल योर इन्वेस्टमेंट इन वन सिक्योरिटी, कि आप अपने आप को एक सिक्योरिटी के साथ, एक शेयर्स के साथ ना बाइंड कर लें कि अगर वो शेयर्स के कंपनी के अंदर नुकसान हो गया तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो जाया हो जाएगी, अगर उस कंपनी में फायदा हो गया तो आपको फायदा हो जाएगा। तो फिर वो कहते ये हैं कि आप रिस्क डाइवर्सिफिकेशन करें, कि एक कंपनी के अंदर सिर्फ आपने तमाम असासे एक जगह पे ना इन्वेस्ट करें, मुख्तलिफ रिस्क के मुताबिक उसको सेट करें। कई हायर रिस्क सिक्योरिटीज होती हैं वहां से, लेकिन रिटर्न भी हाई मिलता है। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लो द रिस्क लोअर द रिटर्न। रिस्क जहां पे आप समझते हैं कि हायर रिस्क है, कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट हायर रिस्क सिक्योरिटीज में भी करें, उससे क्या होगा कि अगर आपका रिटर्न उधर से मिला तो ज्यादा पैसे रिटर्न मिल जाएंगे आपको, लेकिन सारे पैसे उधर ना इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि अगर नुकसान हुआ तो ज्यादा नुकसान भी हो जाएगा। तो आपके पैसे इन्वेस्ट करते हुए थोड़े से पैसे उधर इन्वेस्ट करें जहां पे हायर रिस्क मिल रहा है, थोड़े से पैसे लो रिस्क के अंदर भी रखें ताकि आपका मिनिमम कैपिटल तो मेंटेन रहे, उसको तो कोई नुकसान ना पहुंच सके। तो इस तरीके के साथ आप अपने रिस्क को, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। लेकिन 1,00,000 रुपए के साथ गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या, मुहावरा है ना। तो इसी तरह से वो 1,00,000 रुपए में तो वो एक शेयर के अंदर वो 10% उधर से मुनाफा हुआ, दूसरे शेयर में 10% नुकसान हो गया, तो वो दोनों जगह पे बैठ गए। लेकिन जब 10 मिलियन की बात होती है तो उसमें डेफिनेटली आप इन्वेस्टमेंट अच्छे अंदाज में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के अंदर आप अपने इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं। However, by becoming a shareholder in a mutual fund, the investor can participate in the gains or losses of the fund. Each share in a mutual fund can often be sold or purchased on the NAV, net asset value. Net asset value determine की जाती है कि आज asset के अंदर हमने 10 million डाले हैं, उससे investment की, investment करने से कुछ मुनाफा आया, 10 million से 1 million 11 million हो गया, 11 million divided by 100 वो करके जो भी सबको दिमाग में तकसीम होगा वो नेट एसेट वैल्यू बनेगी। टोटल एसेट्स जो मुनाफा भी हो गया वो भी ऐड कर लें, डिवाइडेड बाय यूनिट होल्डर, नंबर ऑफ यूनिट होल्डर। वो आप उसको डिवाइड कर देंगे तो वो नेट एसेट वैल्यू आपकी आ जाती है। म्यूचुअल फंड्स दो तरह के होते हैं, इधर वैसे हम ऊपर देख लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स दो तरह के होते हैं, एक ओपन एंड म्यूचुअल फंड है और एक क्लोज एंड म्यूचुअल फंड है। ओपन एंड क्लोज एंड, ओपन एंड म्यूचुअल फंड क्या है? ओपन एंड म्यूचुअल फंड ये है कि इसमें नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट अनलिमिटेड है, इन्वेस्टर्स अनलिमिटेड। आप नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जितने बढ़ाना चाहें बढ़ा लें, जो भी बंदा आपके साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहे वो नेट एसेट वैल्यू के ऊपर आपके आपके फंड्स खरीदता जाए और आपके पास इन्वेस्टमेंट आती जाएगी। ओपन एंड की समझ आ रही कि नहीं आ रही? ओपन एंड म्यूचुअल फंड का एसेट्स की वैल्यू थी फॉर एग्जांपल 1,000 और नंबर्स थे आपके कितने, नंबर ऑफ यूनिट होल्डर पर यूनिट वैल्यू आपकी फॉर एग्जांपल टोटल थे 10, पर यूनिट वैल्यू क्या आ गई, थाउजेंड डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 100, 100 रुपया पर यूनिट वैल्यू आ गई। एक शख्स कहता है कि मुझे आप एक यूनिट बेच दें,
आपके नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हो गए? 11. अब आप क्या कहेंगे, आपने उससे 1000 तो आपका अपना था, 100 रुपया आप उस शख्स से खरीद ले, वो कहेंगे आपने एक यूनिट खरीदना है, 100 रुपया आप इन्वेस्ट कर दें हमारे पास, 100 रुपया इन्वेस्ट कर देंगे हम आपको एक यूनिट एट आपको दे देंगे, ताकि नेट एसेट वैल्यू हमारी सेम रहे, आपको एक यूनिट हम दे देंगे। और फिर नेट एसेट वैल्यू बढ़ेगी कैसे, जब प्रॉफिट इसके अंदर आएगा। प्रॉफिट आया फॉर एग्जांपल आपका 1100 का ही प्रॉफिट आ गया, आपका नेट एसेट वैल्यू अब इतनी चली गई, तो नंबर ऑफ यूनिट होल्डर कितने हैं? 11. 2200 डिवाइडेड बाय 11 दैट इज 200 रुपीज अब पर यूनिट वैल्यू आपकी 200 रुपीज होगी। क्यों 200 हुई? क्योंकि 1100 का मुनाफा भी आ गया था आपके एसेट्स के अंदर, जो आपके पास 1100 मिलियन या 1100 रुपया था वो आपने इन्वेस्ट किया, और उस इन्वेस्टमेंट से तकरीबन 1100 का ही मुनाफा भी कमा लिया। तो अब तो ये आपकी म्यूचुअल फंड्स, यहाँ पे कोई भी नया बंदा आएगा जिस वक्त जो आपकी नेट एसेट वैल्यू है, NAV है, नेट एसेट वैल्यू के ऊपर ही कैन इन्वेस्ट इन टू योर म्यूचुअल फंड्स, आपकी फंड्स में इजाफा होता जाएगा। आपके नंबर ऑफ यूनिट होल्डर, नंबर ऑफ यूनिट्स के अंदर कोई पाबंदी नहीं है, ओपन एंड म्यूचुअल फंड है, ओपन एंड है, नो क्लोजर, नो लिमिट, यू कैन एड एज मैनी इन्वेस्टर्स एज पॉसिबल, आपको कोई बंदा रोकेगा नहीं, क्योंकि किसी शख्स को कोई तकलीफ नहीं हो रही, हर शख्स के जितने एसेट्स हैं वो उसके उतने ही रह रहे हैं, उसको कोई तकलीफ नहीं हो रही, हर शख्स के अपने हिसाब किताब से एसेट्स मेंटेन हो रहे हैं, डिल्यूशन नहीं हो रही, डिल्यूट नहीं हो रहा उसकी ओनरशिप, उसकी पावर। फिर और क्लोज एंड कौन सा है? क्लोज एंड है जहां पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिटेड इन्वेस्टर्स, वो हर बंदे को इजाजत नहीं देते, वो कहते हैं नहीं लिमिटेड, ये सारे क्लोज हम ग्रुप रखेंगे, हर बंदे के साथ हम शेयर नहीं करते, ये क्लोज ग्रुप हम रखते हैं, हम मिलके इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम मिलके कंट्रोल करेंगे, हम मिलके इसमें इन्वेस्टमेंट डालेंगे, हम लिमिटेड नंबर्स रखेंगे, कोई भी नया बंदा आना भी चाहेगा तो उसकी अप्रूवल होगी, फलाना होगा ढंगाना होगा, ठीक है। तो ओपन एंड म्यूचुअल फंड जिसमें नंबर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आर अनलिमिटेड, क्लोज एंड नंबर्स आर लिमिटेड, एंड यूनिट होल्डर नीड्स अप्रूवल्स, नीड्स टू गेट एंगेज विद द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर, फिर आप आ सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स, अच्छा जी, डेरिवेटिव्स ये आपने आगे भी जाके पढ़ना है अपनी अकाउंटिंग के अंदर भी और बाकी जगहों पे भी। डेरिवेटिव होता क्या है? डिराइव, डिराइव का तो पता है ना, आपकी जो डिराइव होती है वैल्यू, हाउ इट योर फार्मूला हैज बीन डिराइव्ड, कहते हैं ना ये डिराइव किया गया है, इसको निकाला गया है, यहां से इसका माखज है, माखज से ये चीज निकली है, इट हैज बीन डिराइव फ्रॉम दिस सोर्स, वो डेफिनेटली फिर इसका मतलब है डेरिवेटिव क्या हो गए, वो कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका के माखज, जिनका के सोर्स कुछ और है, कहीं और सोर्स से उनको डिराइव किया गया, डेरिवेटिव्स हैं। ये होते क्या चीज हैं? एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आज हमने कोई एक इंपोर्ट की है, आसान आपको समझ आ जाएगी, इंपोर्ट की है और उसकी पेमेंट हमने आफ्टर 6 मंथ्स करनी है, हमें
बैंक ने एलसी दी हुई है, 6 मंथ्स की एलसी है हमारे पास, लेटर ऑफ क्रेडिट है, आज के दिन हमने सामान रिसीव कर लिया हुआ है, लेकिन बैंक को जो फॉरेन बैंक को हमने पेमेंट रेमिट करवा करनी है, दैट विल बी आफ्टर 6 मंथ्स। 3 मंथ्स 90 डेज तो आमतौर पे आसान होता है, लेकिन मैं सिर्फ 6 मंथ, आमतौर पे इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर 90 डेज और 120 डेज का क्रेडिट लिमिट मिल ही जाता है। लेकिन हमने 6 मंथ्स के बाद, फॉर एग्जाम्पल हमने इम्पोर्ट की और उसकी 6 मंथ्स के बाद पेमेंट करनी है, इम्पोर्ट की वैल्यू इन करंट हमने फॉर एग्जाम्पल $1,000 की कोई मशीन थी जो कि इम्पोर्ट की, टुडे एक्सचेंज रेट $1 पर रूपी इज इक्वल टू 140 है, फॉर एग्जाम्पल रुपीज 140 पर डॉलर, एक्सचेंज रेट आज के दिन का रुपीज 140 पर डॉलर है आज के दिन का, तो क्या होगा आज के दिन अगर हमें ये पे करना पड़ता है तो वी विल बी पेइंग लाइक 140 मल्टीप्लाई बाय 1000 दैट इज 140,000, ऐसा ही है आज के दिन। लेकिन 6 महीने बाद क्या होगा, 6 महीने बाद क्या डॉलर का एक्सचेंज रेट यही रहेगा? आपको श्योरिटी है कि 6 महीने बाद यही रहेगा, या 6 महीने बाद डॉलर का एक्सचेंज रेट कुछ और हो सकता है? तो आपको कंफ्यूजन है, आपको रिस्क यहां पे नजर आ रहा है कि योर डॉलर रेट माइट डिक्रीज डेप्रिशिएट मोर और एप्रिशिएट मोर। अगर तो एप्रिशिएट हो जाए तो आपको शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन डेप्रिशिएट हो जाएगा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम कैसे होगा डेप्रिशिएट का, इस तरह से डेप्रिशिएट हो गया रुपीज 200 पर डॉलर, ये चला गया। नाउ ऑन दैट डे आफ्टर 6 मंथ यू विल हैव टू पे 200 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 200,000। तो आपकी जो लाइबिलिटी थी आज की डेट में $1,000 जो आपने पे करने थे, वो $1,000 आज के दिन में तो आप समझ रहे थे कि 1,40,000 रुपया है, लेकिन जब एक्चुअल पे करना पड़ा तो वो तो 2,00,000 रुपया आपको पे करना पड़ा। 60,000 रुपए का आपको एडिशनल कॉस्ट बियर करनी पड़ी सिर्फ एक्सचेंज रेट के डिफरेंस की वजह से, ऐसा ही है ना, 6 महीने में आपको 60,000 रुपए की एडिशनल कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। तो इस एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन को, एक्सचेंज रेट रिस्क को कवर करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? दो काम कर सकते हैं ना, या तो आज ही हम 140 रुपए पे डॉलर खरीदें और उसको पे कर दें कि भाई हम इस रिस्क को नहीं रखना चाहते, आज के दिन ही मुझसे ये 1,40,000 रुपया लो और $1,000 ये तुम्हारे जो बनते थे ये ले लो मुझसे, मैं इस रिस्क को मेंटेन नहीं करना चाहता। लेकिन ये तो इस तरह करने से क्या होगा कि हमें जो क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल हुई थी 6 महीने के बाद पेमेंट करने की, वो क्रेडिट फैसिलिटी हमने अवेल नहीं की, हमने क्रेडिट फैसिलिटी के ऊपर लात मार दी, ऐसे ही। और दूसरा काम क्या यार, हो सकता है आप 6 महीने के बाद आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि 200 हो डॉलर रुपया हो जाए, हो सकता है 140 से ये रुपीज 100 पे एप्रिशिएट भी कर जाए, एप्रिशिएट ना कर जाइए और फिर आपकी जो लाइबिलिटी है वो सिर्फ 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 दैट मीन्स के 1,00,000 रुपया रह जाए। तो ये आप तो इस जो बेनिफिट भी हो सकता है उस बेनिफिट को भी आप इग्नोर कर रहे हो, हो सकता है कि आपका 40,000 रुपए का सेविंग हो जाए अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट हो जाए। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि जी कि अच्छा नहीं मैं रिस्क नहीं रखना चाहता, अच्छा उसका फिर क्या तरीका, उसका फिर तरीका ये होता है
कि आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं बैंक्स के साथ। बैंक्स आपको कहते हैं अच्छा आपको 6 महीने बाद लाइबिलिटी पे करनी है तो आप हमारे साथ फॉरवर्ड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए। ये डिफरेंट डेरिवेटिव्स के नाम है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लें। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है कि मुझे आफ्टर 6 मंथ बैंक्स के साथ आप एग्रीमेंट कर लेते हैं कि जनाब आफ्टर 6 मंथ बाय दिस डेट यू विल सेल मी डॉलर्स फॉर ₹140 पर डॉलर। अब आप अपने एक एग्रीमेंट कर लिया, दिस इज एन एग्रीमेंट ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बायर द इंपोर्टर एंड द बैंक। बैंक और इंपोर्टर के दरमियान एक एग्रीमेंट हो गया। अब क्या होगा, ये एग्रीमेंट हो गया, 6 महीने बाद वट एवर द मार्केट कंडीशन आप बैंक को जाके कह सकते हैं कि जनाब चाहे डॉलर इस वक्त 200 रुपए का है करंट मार्केट, लेकिन 6 महीने पहले आपने मेरे साथ एक एग्रीमेंट किया था, उस एग्रीमेंट के तहत यू आर बाउंड टू सेल मी डॉलर फॉर 140 रुपीज। ये एग्रीमेंट किया था बैंक और बायर ने, जो इंपोर्टर है उसने, उसकी बेस के ऊपर आप बैंक से 140,000 रुपया देकर $1,000 खरीद सकते हैं और $1,000 आपकी जो लाइबिलिटी थी उसको आप पे कर सकते हैं 6 मंथ के बाद। तो मुश्किल तो नहीं है, अब तक तो कोई मुश्किल नहीं है। बैंक के साथ एक एग्रीमेंट कर लें, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लें। जी हाँ जी, अब अलीशा का ख्याल है कि अगर डॉलर 200 की बजाय 100 रुपए का हो गया तो फिर भी क्या हमें बैंक से 140 रुपए का ही खरीदना पड़ेगा? तो क्या करते हैं कि इस एग्रीमेंट के अंदर आप कंडीशन रखते हैं, जो इंपोर्टर है वो कंडीशन रखता है कि दिस एग्रीमेंट इज नॉट बाइंडिंग ऑन importer। वो अपनी एक कंडीशन इसमें यह भी रख लें कि अगर 140 की बजाय डॉलर का रेट 100 रुपया हो जाए तो वो ना उसको एग्जीक्यूट करें एग्रीमेंट को और मार्केट से 100 रुपए के ऊपर 1,00,000 रुपए दे और 100 रुपए के ऊपर $1,000 खरीद ले और अपनी इंपोर्ट की लायबिलिटी को पे ऑफ कर दे। दिस एग्रीमेंट कैन बी रिटन लाइक दिस के जी के अगर 140 से ऊपर रेट हुआ तो मैं बैंक से 140 रुपए के ऊपर डॉलर परचेज कर लूंगा और अगर 140 से नीचे रेट हुआ तो मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है कि मैंने बैंक से जरूरी ये परचेज करना है। अब बैंकर को भी इसमें बेनिफिट नजर आया क्योंकि बैंकर ने भी ये एग्रीमेंट फ्री में नहीं करना, उसने अपनी को सर्विस चार्जेस को अपने अपने चीजें उसने लेनी है, रिस्क प्रीमियम अपना उसने लेना है। अपनी एग्रीमेंट करते हुए कुछ पैसे वो लेगा कि जी अगर 6 महीने के बाद आपने ये करना है तो आप थोड़े से पैसे कॉस्ट जो है रिस्क प्रीमियम, जिसे इंश्योरेंस वाले करते हैं कि इंश्योरेंस में बहुत सारे लोग आके आपसे इंश्योरेंस करवाते हैं, वो इंश्योरेंस प्रीमियम आपको पे करते हैं, लेकिन तमाम लोगों को इंश्योरेंस क्लेम करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस वजह से इंश्योरेंस वालों को बेनिफिट भी हो जाता है, जो लोग रहते हैं उनको जो जिनको क्लेम देना होता है वो क्लेम भी दे लेते हैं, जिनको नहीं देना होता वो। तो इस तरह से बैंक भी फायदे में रहते हैं और जो बंदा है वो भी फायदे में रहता है। ठीक है जी, नॉट बाइंडिंग ऑन इंपोर्टर है ठीक। इससे क्या होगा, अब ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये एग्रीमेंट आपके एक्सचेंज रेट रिस्क को कवर कर रहा है और अगर डॉलर की वैल्यू
140 की बजाय 160 हो गई है आज के दिन, तो आपके इस एग्रीमेंट की वैल्यू बन गई है, बन जाएगी ना 6 महीने के बाद, तो चलो जो होना है सो होना है। आज ही वैल्यू अगर 140 से 160 हो गई तो आप कहेंगे भाई ये एग्रीमेंट तो बड़ा फायदेमंद है मुझे लिए, ये एग्रीमेंट बड़ा फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है? देखना यार, मुझे 6 महीने के बाद 140 पे डॉलर चाहिए था, आज ही डॉलर 160 पे चला गया, तो मेरा तो इस एग्रीमेंट से मेरा तो मुनाफा हो गया। अगर ये एग्रीमेंट ना होता तो मुझे तो 160 रुपए पे डॉलर खरीदना पड़ता, अब इस एग्रीमेंट की वजह से मैं 140 रुपए पे डॉलर खरीद लूंगा। और अगर डॉलर की कीमत 100 डॉलर पे चली जाए, 100 रुपए पर डॉलर, तो फिर क्या? फिर भी आप कहेंगे अच्छा यार इस एग्रीमेंट का कोई फायदा नहीं है, जीरो वैल्यू है मेरे लिए, क्योंकि मैंने तो इसको एग्जीक्यूट करवाना नहीं है, क्योंकि 100 रुपए तो मुझे मार्केट से मिल जाएगा, मैं जरूर बैंक से 140 रुपए का खरीदूंगा जाके डॉलर। तो ये एग्रीमेंट की वैल्यू, इस एग्रीमेंट की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट हो रही है? इस एग्रीमेंट की वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन, वैल्यू डिपेंड्स ऑन एक्सचेंज रेट, ऐसा ही है ना, एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट हो रहा है, आपकी वैल्यू बढ़ रही है, एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट हो रहा है, वैल्यू जीरो हो रही है। तो एक्सचेंज रेट के ऊपर आपके एग्रीमेंट की वैल्यू है। इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शंस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू डिटरमिन होती है आपके एक्सचेंज रेट के साथ। तो वही बात हमें यहां पे भी समझा रहे हैं, डेरिवेटिव, एन इंस्ट्रूमेंट हुज प्राइस इज डिपेंडेंट ऑन वन और मोर अंडरलाइंग एसेट्स, इट इज मेयरली अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, मेयरली सिंपल टर्म में, कुछ और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है। हमने उसकी एक एग्जाम्पल देखी है, फॉरवर्ड का, फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, और भी डिफरेंट डेरिवेटिव्स की किस्में हो सकती हैं। चेंजेस इन द अंडरलाइंग एसेट्स कैन कॉज ग्रेट फ्लक्चुएशन इन द प्राइस ऑफ डेरिवेटिव, जिस तरह हमने यहां पे देखा, चेंजेस इन अंडरलाइंग एसेट्स, इसकी वैल्यू के अंदर फर्क हो रहा है तो आपकी इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू के ऊपर आपका फर्क आ रहा है। क्लियर है? तो मुश्किल तो नहीं है इसमें, ये जो डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं। आपके तमाम ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो के जिनकी वैल्यू किसी अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू की फ्लक्चुएशन के ऊपर डिपेंडेंट है, उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है, सिंपल वर्ड के अंदर। और वो सिर्फ एक एग्रीमेंट होता है, कुछ भी नहीं है एक्चुअल, किसी का ना यहां पे एग्जीक्यूट करने का दिल चाहता है ना खरीदना है, सिर्फ स्पेकुलेशन के पर्पस के लिए उन्होंने अपने आप को बाउंड किया हुआ, एक एग्रीमेंट किया हुआ। यहां पे जरूरी नहीं है कि जनाब हम इसको एग्जीक्यूट करवाएं, क्योंकि ऑप्शन ऑफ इज नॉट बाइंडिंग ऑन इंपोर्टर, तो ये ऑप्शन इंपोर्टर पर बाइंडिंग नहीं है, तो वो एग्जीक्यूशन लाजमी नहीं है इसके अंदर। लाइक मनी एंड कैपिटल मार्केट, दे आर ट्रेडेड विद इन्वेस्टमेंट बैंक्स यूजुअली एक्टिंग एज द इंटरमीडियरी बिटवीन दोज लुकिंग टू रेज फाइनेंस एंड दोज लुकिंग टू इन्वेस्ट। देर आर टू मेन वेज दैट डेरिवेटिव्स कैन बी ट्रेडेड, ओवर द काउंटर एंड ऑन एन एक्सचेंज। अब मुझे चाहिए 1,00,000 रुपए के डॉलर में खरीदना, बैंक के पास चले जाओ, ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर क्या, बैंक के पास चले जाओ, बैंक को कहो भाईजान मुझे 1,00,000 रुपए के $1,000 6 महीने बाद चाहिए, तो वो बैंक आपके साथ एग्रीमेंट कर ले। और इसी तरीके के साथ एक्सचेंज के ऊपर भी हो सकता है, कई लोग एक्सचेंज पे भी डेरिवेटिव ट्रेड होते हैं। अब ओवर द काउंटर में क्या होता है, ओवर द काउंटर में तो आप अपनी स्पेसिफिक नीड के मुताबिक कह सकते हैं ना, मुझे $1,425 6 महीने बाद चाहिए, तो आप अपनी स्पेसिफिक नीड
स्पेसिफिक डिनोमिनेशन, स्पेसिफिक मेच्योरिटी टाइम आप डिफाइन कर सकते हैं। और एक्सचेंज के अंदर क्या होता है, एक्सचेंज में प्री डिटरमिंड लॉट क्वांटिटी, प्री डिटरमिंड मेच्योरिटी टाइम जो होता है वो अवेलेबल होता है। आप अपनी हिसाब से उसके मुताबिक नजदीक नजदीक जो मेच्योरिटी, नजदीक नजदीक जो आपको लॉट वैल्यू है वो मिलती है। अब वहां पे आपको हो सकता है $1,425 का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ना मिले, लेकिन आपको $1,500 का शायद मिल जाए, हो सकता है $2,500 का या $5,000 का मिले मिनिमम भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर या डेरिवेटिव एक्सचेंज के ऊपर। तो आपको वहां पे यू विल हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। अब उसका बेनिफिट क्या है, अब यहां पे देखते हैं उनका। ये पूछ चुका है एक आधी दफा एग्जामिनर ओवर द काउंटर और ईटीडी, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या चीजें, क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ओवर द काउंटर में एस्टैब्लिशिंग ट्रेडिंग एंड ओवर द काउंटर ट्रेडिंग अब मच लेस स्ट्रिक्ट कंडीशंस होती हैं देन एक्सचेंज रेट डेरिवेटिव एक्सचेंज। द इश्यू एंड ट्रेड ऑफ ईच इंस्ट्रूमेंट इज ऑन इंडिविजुअल बेसिस, मीनिंग अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी यूजुअली इन्वेस्टमेंट बैंक विल मेक अ मार्केट बिटवीन बायर एंड सेलर। दिस गिव ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी विद रिगार्ड्स टू टर्म्स ऑफ the deal. However, the level of risk is much higher as counterparties can be effective if the trade lasts a lot of money. Or exchange traded derivatives, ETDs, a derivative must meet certain strict criteria to be traded on exchange. There are variables, maturity length, credit rating, etc. that can be controlled to allow a derivative to be traded on an exchange. ETDs also reduce the risk involved with the transaction by ensuring that whenever a party goes long, long ka matlab kya hai, will reward the underlying price increase. We'll see reward if the underlying price increase. There is another party that is short. Agar kisi ka munafa hota hai, to kisi ka nuksan hota hai. To exchange trade derivatives mein kisi ka munafa, kisi ka nuksan, dono aapas mein interact kar rahe hote hain, dono aapas mein offset kar rahe hote hain. The fact that these two positions are equaled of net zero means the overall risk is reduced, underlying price moves drastically. Performing the trade through an official exchange also reduces the level of counterparty risk as trades are done through clearing house. So, uska bhi masla aapke saath nahi rehta. Yahan tak hamara chapter 15 complete ho gaya. Clear hai jee? Derivatives, financial instruments, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड, ऑप्शन, ये सारा हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मसला मसाइल है जी। एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स, ईटीडीज, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स। लेट्स मूव टू आवर पेपर, हमारे पास तकरीबन कोई 20 मिनट है, वी विल ट्राई टू get through this. Economics के paper दो section होते हैं, section A सारी चीजें compulsory हैं, किसी कोई चीज भी, all the questions from section A are compulsory. Attempt any 5 out of 7 questions from section B. Section B में आपके पास choice मौजूद होती है, section A में कोई choice नहीं होती. Explain the concept of production possibility curve with the help of a diagram. आपको PPC का एक डायग्राम की मदद से मांगा गया कि इसका एक्सप्लेन कर दें। Briefly discuss how the concept of PPC is useful in explaining the economic concept of scarcity. Scarcity को हम कैसे कर सकते हैं, बता सकते हैं? अलीशा भी फंसी है वहाँ पे सर, इसमें बाइंडिंग होता है इम्पोर्टर पे इवन इफ एप्रिशिएट जी, अगर बाइंडिंग होता तो फिर उसको करना पड़ता, तो वो इम्पोर्टर इस तरह का एग्रीमेंट क्यों करेगा कि जहाँ पे उसको फंसना पड़े, तो वो डेफिनेटली कोई इस तरह की ऑप्शन ले रखना चाहेगा
कि वो सिर्फ और सिर्फ इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन उसको वहां पे एक्सपोज होना पड़े। इसी तरह से इंपोर्टर की रिवर्स में एक्सपोर्टर का इंपैक्ट होगा, होगा कि नहीं होगा? अगर आप वहां पे ही हैं तो हम यहां पे बात कर लेते हैं। अगर इंपोर्टर कहता है कि मुझे 140 रुपए के डॉलर खरीदने और एक्सपोर्टर को कहता है कि जी कि मुझे 1000 डॉलर 6 महीने बाद रिसीव होने हैं, तो अब एप्रिशिएट होता तो एक्सपोर्टर को नुकसान होता और डेप्रिशिएट होता तो एक्सपोर्टर को बेनिफिट होता। आई समझ के नहीं, जरा टेक्निकल थोड़ा सा हो जाएगा। एक हम और बना लेते हैं ना, एक्सपोर्टर, जिस तरह से ये इंपोर्टर था पाकिस्तानी, इसी तरह से एक पाकिस्तानी एक्सपोर्टर भी है। अब पाकिस्तानी एक्सपोर्टर क्या कर रहा है? पाकिस्तानी एक्सपोर्टर कह रहा है, मैंने आई हैव सोल्ड थिंग टुडे फॉर रूपी फॉर डॉलर 1000, मैंने 1000 डॉलर की चीजें बेची हैं और करंट प्राइस क्या है डॉलर रेट, रुपीज टू डॉलर रेट इज 140। दैट मीन्स के आज के दिन अगर मुझे डॉलर मिल जाते तो मुझे 140000 रुपया मिल जाता। अगर यही खुदा ना हास्ता डॉलर रेट एप्रिशिएट कर गया, एप्रिशिएट कर गया तो क्या होगा? मुझे तो ये 1000 डॉलर के बदले में सिर्फ 1,00,000 रुपया मिलेगा, ऐसा ही है। और अगर डेप्रिशिएट कर गया, रुपीज टू डॉलर रेट 140 से 200 पे चला गया, तो क्या होगा? मुझे इसके बदले में बेनिफिट हो जाएगा। दोनों सूरतों में क्या हो रहा है कि दोनों सूरतों में डॉलर कितने चाहिए? 1000 डॉलर। तो बैंक क्या करता है? बैंक कहता है कि आपके साथ में एक एग्रीमेंट कर लेता हूं सोल्ड, कि जनाब आपके पास जो 1000 डॉलर आएंगे आप मुझे 140 रुपए पे सेल कर देंगे। एक्सपोर्टर के पास क्या होगा जी? ईटीडी में भी बात करते हैं। आप, मैं वो उसी के लिए कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहा हूं। एक्सपोर्टर के पास क्या होगा कि जब 1000 डॉलर आएंगे तो वो 140 रुपए में, हो सकता है कि वो 140 की जगह पे 200 तक चला गया हो रेट, तो वो फिर एग्रीमेंट इनके साथ एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन जब ईटीडीज की बात करते हैं तो ईटीडीज के अंदर, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स के अंदर क्या होता है, वहां पे वही शख्स जो है वो एक शख्स का अगर वो पॉजिटिविटी है तो दूसरे शख्स की वो नेगेटिविटी है, वो दोनों एक दूसरे के साथ ऑफसेट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे ट्रेडर अगर हमारा बैंक को बीच में से निकाल दें और कहें एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दोनों आ जाएं अलग अलग, इंपोर्टर एक्सचेंज पे जाए, वो कह दी कि मुझे 6 महीने के बाद ऐसा चीज चाहिए कि 100 डॉलर में 140 रुपए पे खरीद लूं, और एक्सपोर्टर आए कि 6 महीने के बाद मैं 140 रुपए के ऊपर डॉलर बेचना चाहता हूं, तो अब किसी का फायदा होगा तो दूसरे का नुकसान। अगर 100 रुपए के ऊपर चला गया रेट, 100 रुपए के ऊपर चला गया तो फिर भी इंपोर्टर को 140 रुपए के ऊपर बेचना पड़ेगा, 140 रुपए के ऊपर उसको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे उसने एक्सपोर्टर के साथ डायरेक्ट एग्रीमेंट किया हुआ है, वो उसने ईटीडीज के अंदर आपको ऑप्शन नहीं मिलती। यही तो बात हम कह रहे हैं, ओवर द काउंटर के ऊपर आपको ऑप्शंस मिलती हैं, ज्यादा सारी आप अपने हिसाब से उसको निगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन ईटीडीज के अंदर ऑप्शंस नहीं मिलती। क्लियर है? यही तो बात हमने कही है यहां पे। ईटीडीज आल्सो रिड्यूस द रिस्क इन्वॉल्व्ड विद द ट्रांजैक्शन बाय इंश्योरिंग व्हेनेवर पार्टी गोज लॉन्ग, यानी कि उसका बेनिफिट होगा, देयर इज अ पार्टी दैट इज शॉर्ट। अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन टू द पेपर। तो इसमें पीपीसी के अंदर तो कोई इशू नहीं है किसी को, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमने देखा था, हमारी पीपीसी दिस वाज दिस, और वो हमारा जैसे जैसे हम चेंज करते थे हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चेंज होती थी, जिसकी बेस के ऊपर हमारी कर्व कॉन्वेक्स टू रीजन थी, और हम स्केर्सिटी किस तरह से आती है कि आप अपनी कर्व को यहाँ पर नहीं लेके जा सकते। क्यों नहीं लेके जा सकते? क्योंकि आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं,
आपके रिसोर्सेज सिर्फ इतने प्रोडक्शन बना सकते हैं, इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं बना सकते। तो स्केर्सिटी का कॉन्सेप्ट यूज किया था हमने कि हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर अपनी मर्जी से नहीं जा सकता, हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से लिमिटेड वो रहेगा। क्लियर था? क्लियर है जी। फिर डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड आइडेंटिफाई ब्रीफली एक्सप्लेन द फैक्टर व्हिच डिटरमाइंस द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने क्या कहा था? जी जी सही कह रहे हैं, कॉनकेव टू द ओरिजिन, कॉनकेव टू द ओरिजिन भाई, कॉनकेव टू द ओरिजिन, इंडिफरेंस कर्व पे हम चले गए थे कि जी कॉनकेव टू द ओरिजिन, और ये हमारा डिस्कशन थी। और इसी तरीके के साथ हमारा स्केर्सिटी को भी उन्होंने डिस्कस किया कि फोरगो वन चॉइस मैंने द पीपीसी रिसोर्स प्लानिंग हाउ चॉइस कैन बी मेड एंड आरवेज और ऑप्टिमल प्रोडक्शन और स्केर्सिटी का इंपैक्ट भी आता है और प्राइस इलास्टिसिटी डिटरमिनेशन ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूट और ये वो सारी चीज़ें जो हमने देखी थी कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड उसके ऊपर और सब्स्टिट्यूट का इम्पैक्ट और बाकी चीज़ों का हमने देखा था। क्लियर है? देन वी हैव फॉलोइंग डेटा रेफर टू टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। एक टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट उन्होंने बताए फर्म एट वेरियस आउटपुट लेवल, आउटपुट यूनिट्स इन मिलियन, मार्जिन रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, कैलकुलेट द फर्म फिक्स्ड कॉस्ट एंड द मार्जिनल कॉस्ट एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट। फिक्स्ड कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट हमसे मांगी गई है। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी? जब जीरो के ऊपर आपकी आउटपुट जीरो है तो तब भी अगर हमारे 22 मिलियन रुपीस खर्च हो रहे हैं तो दैट शुड बी द फिक्स्ड कॉस्ट। हमसे उन्होंने मांगा फिक्स्ड कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट क्या है? जो हर एक के अंदर चेंज आ रही है, जितने यूनिट हम बढ़ाते जा रहे हैं उसके अंदर जो चेंज आ रही है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। पहली चीज उसने मांगी कैलकुलेट दी फर्म फिक्स कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट एट ईच लेवल। बीच में पेजी तुम्हारे गए में। अच्छा चल जी, सेकंड चीज जो उसके अंदर पूछ रहे हैं, डिटरमिन द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच द फर्म वुड ऑप्टिमाइज इट्स प्रॉफिट, आल्सो डिटरमिन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट द फर्म विल मेक एट द डिस्क्राइब्ड लेवल ऑफ आउटपुट। एमसी इज इक्वल टू एमआर, जहां पे मार्जिनल कॉस्ट एमआर के बराबर होगी, एमसी एमआर के बराबर है, वहां पे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, उसको डिटरमिन करना है। एमसी एमआर के बराबर कहां पे होगा? जब एमसी कैलकुलेट कर लेंगे तो एमआर उसने हमें पहले दिया हुआ है, एमआर से हमारा टोटल रेवेन्यू भी बन सकता है और टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट निकाल देंगे तो हमारा कॉस्ट प्रॉफिट भी आ जाएगा। डिटरमिन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि ये भी हमें बताना है, हमें यह भी बताना है कि कितने कौन से यूनिट के ऊपर हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा जहां पे एम सी एम आर के बराबर हो जाएगा, और दूसरा यह भी बताना है कि हमारे जो
प्रॉफिट कितना होगा, टोटल प्रॉफिट कितना होगा, दैट वुड नीड आल्सो नीड टू बी टोल्ड। और यहां पे देखें 54 से 44 से 54 जा रहा है, दैट इज 10। एमसी कितना है? 10। एमसी इज 10। और एमआर कितना है? एमआर भी 10। एमसी एमआर इक्वल हो गया 8 यूनिट्स के ऊपर, तो 8 यूनिट्स का टोटल रेवेन्यू बना ले, इन सब को ऐड कर लेंगे तो टोटल रेवेन्यू बन जाएगा। और ये आपकी टोटल कास्ट गिवन की हुई है, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कास्ट निकालेंगे तो आपका प्रॉफिट भी आ जाएगा। कॉन्सेप्ट वही है जो हमने पढ़े हुए, उनको यूटिलाइज कर रहा है। आपको एमसी एमआर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जहां पे फर्म विल बी मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट वेयर एमसी इज इक्वल टू एमआर, उसके अलावा कहीं पे फर्म मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का सोच भी नहीं सकती। हमने इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म के अंदर डिस्कशन किया हुआ। क्लियर है? मुश्किल तो नहीं? जी मुश्किल तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? इस क्वेश्चन जो क्वेश्चन 3 है इसके अंदर क्लियर है? इसी तरह से ये क्वेश्चन 2 का भी पार्ट है जिसके अंदर कंप्यूट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इफ एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम ₹10 पर यूनिट टू ₹11 पर यूनिट कॉज द डिक्रीज इन इट्स डिमांड फ्रॉम 2.5 मिलियन टू 1.9 मिलियन। ये हमने किसी एक क्वेश्चन चैप्टर टेस्ट में भी पूछा हुआ। सो आज के दिन लेट्स कंक्लूड हियर, लेट्स मीट टुमारो। क्या ख्याल है, पास्ट पेपर को डिस्कस करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते? करना चाहते हैं तो लेट्स मीट टुमारो और एक हम पास्ट पेपर के ऊपर तफसीली डिस्कशन करते हैं। अगर हम ये 5 मिनट या 7 मिनट की बातें करेंगे तो शायद हमें थोड़ा सा सॉफ्ट पेस चलना पड़ेगा, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो लेट्स हैव अनदर क्लास फॉर दैट। क्या ख्याल है असदफ, क्या कह रहे हैं? पर सर कल नहीं, परसों, क्योंकि कल मैं पास पेपर देखें जो डिफिकल्टी होगी वो क्लियर कर दीजिएगा पहले। अच्छा कल में ना करें, क्या कह रही है असदफ? कल में क्लास ना करें? नहीं, इसका इस तरह करते हैं कि कल एक हम क्लास करते हैं, एक तफसीली क्लास एक हम कल पास पेपर पे कर लेते हैं, और उसके बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जो आपकी क्यूरीज हों, क्योंकि पास पेपर में आपकी रिवीजन में जब आप जाएंगे तो बहुत सी क्यूरीज मजीद निकलेंगी, तो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डिस्कस कर लेंगे कि जी आप हमारे ये क्यूरी है, ताकि वो इंटरेक्टिव आपको मसाइल में ना आए, क्योंकि अगर हम इसको डिले करते जाएंगे तो वो चलें हम लेट होते जाएंगे। अच्छा जी, अलीशा पूछ रही हैं जी के किसका शेयर का जी, कौन सा टाइप्स ऑफ शेयर्स की लास्ट 3 लाइन बता दें जी। टाइप्स ऑफ शेयर्स ये आगे जी, और इसकी लास्ट 3 लाइन कौन सी हैं? जी एग्जाम्पल बॉक्स के नीचे जो है जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके अंदर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी कि एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। ए लार्ज कॉर्पोरेशन इज लुकिंग टू फंड अ मेजर फैक्ट्री इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट एंड इज लुकिंग टू रेज फंड थ्रू द कैपिटल मार्केट। इट इशूज शेयर्स विच आर देन परचेज बाय इन्वेस्टर्स इन एक्सचेंज फॉर पेइंग फॉर पार्ट ओनरशिप ऑफ द कंपनी। द इन्वेस्टर मे रिसीव डिविडेंड्स एंड अदर बेनिफिट फॉर फंडिंग द प्रोजेक्ट।
The shares belong to the investment and are able to be traded on stock market. तो यहाँ पे preference shares में हमें बता रहे हैं कि जनाब आपके preference shares हमने issue किए हैं, उनको हम dividend भी देंगे. Instead of paying for part ownership, the investor may receive dividends and other benefits for funding the project. और उनको हम stock exchange के ऊपर trade भी कर सकते हैं. अच्छा, अब ये जो last इस पैराग्राफ के अंदर जो बात कही गई है ना, ये बात सिर्फ ये कही गई है कि जनाब आपकी देर इज मोर इफिशन ऑन फोर्सेज एंड रेजन पेजिंग टू पैकिंग टू द ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि आपको जो हम शेयर्स के ऊपर इंटरेस्ट देंगे, डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड देंगे, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर हम आपको इंटरेस्ट देंगे, तो वो सिर्फ इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा. अगर एक बहुत अच्छी कंपनी है, फॉर एग्जांपल नेस्ले कहती है कि जनाब हमें कुछ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो क्या होगा? आपको पता है कि नेस्ले है तो आप कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी उसको पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे कि नहीं होंगे. अब क्यों हो रहा है? क्योंकि नेस्ले को बहुत सारे लोग पैसे देने को तैयार हैं और नेस्ले के पास सप्लाई ऑफ फंड्स ज्यादा हो जाएगी. सप्लाई ऑफ फंड्स ज्यादा होने का वजह से वो कम इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा. और लेकिन दूसरी जानिब तो ये एक छोटी सी कंपनी है जिसको जो कहता है कि मैंने एक प्रोजेक्ट लगाना है, तो अब वो कंपनी ABC को बंदा उसको जानता भी नहीं, कम लोग उसको लोन देने के लिए तैयार होंगे, इसलिए क्योंकि वहां पर रिस्क भी शायद हाई होगा और इस वजह से उसको अपना इंटरेस्ट रेट हाई रखना पड़ेगा जिसके ऊपर उसको लोग इंटरेस्ट देने को, लोन पे पैसे देने को तैयार हो जाएंगे. दिस इज दे हैव टेकन हेयर कि जनाब सिंपल आप इंटरेस्ट रेट को बेंचमार्क नहीं बना सकते मार्केट में, इकोनॉमी में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, लोन कर्जे वगैरह जो बैंक कंपनी को दिए जाते हैं सिर्फ उसकी बुनियाद पे नहीं दिए जाते. जो कंपनियों को लोन और इंटरेस्ट पे पैसे दिए जाते हैं वो बुनियाद बनते हैं उनकी डिमांड एंड सप्लाई कैपेसिटी के ऊपर, कितने लोग उनको इंटरेस्ट देने के लिए तैयार हैं, कितने लोग नहीं हैं. और अगर ज़्यादा लोग इंटरेस्ट देने को तैयार हैं तो वो कम लोन देने को तैयार हैं तो कम इंटरेस्ट के ऊपर भी उनको पैसे कर्जा मिल जाएगा. लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसको के कम लोग लोन देने को तैयार होंगे उसको डेफिनेटली फिर उनको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा. ठीक है जी, दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट. म्यूनिसिपल बॉन्ड क्या होते हैं? म्यूनिसिपल बॉन्ड्स अलीशा पूछ रही है, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स क्या होते हैं? जिस तरह से गवर्नमेंट अपने काम पूरे करने के लिए ट्रेजरी बॉन्ड्स इशू करती है, ट्रेजरी बॉन्ड्स इशू करते हैं ना, हमने ट्रेजरी बॉन्ड का तो पता चल गया कि खजाने में अभी पैसे नहीं है तो हम लोगों से पैसे पकड़ लें और खजाने के पैसों को हम पूरा कर लें और अपनी जरूरत जो पूरी करनी थी कर लें. इसी तरह से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है, म्यूनिसिपल हमारे यहाँ भी होती है, पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ शहरों की अपनी गवर्नमेंट होती है और वो गवर्नमेंट अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक पूरा करनी है. उसको कुछ पैसे फेडरल गवर्नमेंट से मिलते हैं, कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी मिलते होते हैं, लेकिन और कुछ पैसे वो अपने टैक्सेस से भी इकट्ठा करते हैं. म्यूनिसिपल कमेटी के टैक्सेस भी होते हैं जो कि इकट्ठा करती है, लेकिन उसमें भी गैप तो आता है ना. गवर्नमेंट ही है, गवर्नमेंट पैसे इकट्ठे कर रही है, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट है, और वो गैप जो आता है उस टाइमिंग गैप को या कोई इस तरह का प्रोजेक्ट है, कोई उसने कोई अपना शहर के अंदर कोई सड़क बनानी है, कोई ब्रिज बनाना है, कोई शहर के अंदर पार्किंग प्लाजा बनाने हैं, कोई प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स के लिए वो कर्जे ले सकती है और वो कर्जे म्यूनिसिपल बॉन्ड्स की सूरत में लेती है. ठीक है, ट्रेजरी बॉन्ड्स हम जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको हम ट्रेजरी बॉन्ड्स कह देते हैं और जो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स हैं उनको लेते हैं. चलें जी, लेट्स कंक्लूड फॉर टुडे, लेट्स मीट टुमारो इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़.